मनमोहन सिंह की सरकार ने दोनों मिला के, वाजपेयी की हुकूमत मिला के, अफगानिस्तान में $3 बिलियन हम लोग वहां खर्चा किए। आपका हमारा टैक्स का पैसा कितना था? $3 बिलियन। जब मैं ये पूछा कि 3 बिलियन कहां गए, लगा वहां पे, अब लग जाओ, वहां लग जाओ, ड्यूटी पे लग गए पूरे वहां पे। 700 करोड़ की पार्लियामेंट बनाए अफगानिस्तान में। कितने की पार्लियामेंट बनाए? 700 करोड़ की। और आप हमारे वजीर आजम मोदी और वो गनी दोनों मुस्कुरा के रिबन काटे। गनी तो चलेगा दुबई, अभी नहीं यहां बैठ के बोल रहे अफगानिस्तान में ये हो रहा। अरे 700 करोड़ क्या करेंगे? अब क्या तालिबान उससे बैठ के जिरगा करेंगे? अपना जिरगा करेंगे आप उन्हें बैठ के? 700 करोड़, $3 बिलियन आप सोचो कितने होते? $3 बिलियन हम खर्चा किए। ये जब मैं सवाल किया तो लग गए वहां पे, वहां ऐसा हो रहा। 2013 में मैं बोला, मैं नहीं बोला बल्कि जो मुझसे ज्यादा जो काबिल लोग हैं, जिनकी दूर अंदेश निगाहें उसको देख रही थी, मेरे को बोलते थे। और मुझ में आदत यह है कि अगर मेरे को कोई चीज नहीं आती तो मैं बगैर किसी तकल्लुफ के उनको फोन करके या उनसे मिलकर पूछता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बताओ। वो उस वक्त से बोल रहे, वो तमाम सिक्योरिटी के एक्सपर्ट, बड़े बड़े सहाफी जो हैं, कि देखो ये होगा। 14-15 में बोला, आप क्या करें बताइए, आप तो दूर हो गए उन लोगों से। अब सबसे बड़ा फायदा पाकिस्तान को हुआ। मेरे को अफगानिस्तान से कभी कोई मतलब नहीं था, ना तालिबान से, मेरे को भारत से मतलब हमेशा है और रहेगा। पाकिस्तान उस जगह को, अब वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अलकायदा और दाइश अफगानिस्तान के, वो बहुत बड़ा मुल्क है जहां पर हुकूमत ही नहीं है। ऐसे कई इलाके माने 300-400 किलोमीटर रकबे पर कोई चीज नहीं है, वहां पर दाइश अलकायदा आ चुके हैं। सीरिया से, इराक से वहां शिफ्ट हो गए। जैश मोहम्मद, एक नाम इतना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे टेररिज्म करते हैं ये गलीज लोग। पार्लियामेंट पे अटैक किए, एयरक्राफ्ट को हाईजैक करके खंडार लेकर गए। वो लोग हेलमंड एक जगह है, वहां पर आकर बैठ चुके हैं। किसको नुकसान होगा बताओ आप? ISI पूरा कंट्रोल करता तालिबान को, ये बात जहन में रखो आप। ISI भारत की दुश्मन है। ISI तालिबान को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता है। और एक बात सुन लो आप, मजे की बात, तालिबान का जो चीफ है उन्होंने कहते अमीरुल मोमिनीन। कहीं का अमीरुल मोमिनीन है भाई तू? अमीरुल मोमिनीन तो शेर खुदा है, हजरत अली है अमीरुल मोमिनीन। अब ये अमीरुल मोमिनीन और खादिमुल हरमैन में क्या होगा, अल्लाह को मालूम। इनू अमीरुल मोमिनीन, वो खादिमुल हरमैन, और वो भी खामोश बैठे हुए हैं। UAE का वहां उन्होंने खामोश बैठे हुए हैं। और सबसे दूसरा बड़ा फायदा ये चीन को, चीन। अब चीन क्या कर रहा है बदक्ष, मैं ये खुल के अब इसलिए बोल रहा हूं कि लोगों को मालूम होना आपको। बदक्षा एक जगह है अफगानिस्तान और चीन के बॉर्डर पर, वहां पर शिनजियांग एक जगह है जो मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। उनको एक कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाल के, तमाम आप सुने होंगे। तो चीन इनको बोल दिया, देखो बदक्षान में ये ईस्ट तुर्कमेनिस्तान की जो वहां पर तंजीम है उनको मत आने दो। और चीन ये बोला कि हम जो है, चीन ईरान से ऑलरेडी एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कई बिलियन ऑफ डॉलर्स का। तो चीन ये चाह रहा है कि जमीन के रास्ते से काबुल और फिर काबुल से होते हुए ईरान तक चला जाए। चीन ये कर रहा, उसको समंदर का रास्ता लंबा पड़ता तो ये रास्ते से आके करना चाह रहे। आप क्या कर रहे भाई, आप क्या कर रहे बताइए ना? रशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, ये तमाम स्थान जो चार ममालिक हैं, वो लोग अमेरिका से डील करके क्वाड एग्रीमेंट के लिए कि ट्रांसपोर्टेशन इन
ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान से निकलकर काबुल तक आए, अमेरिका कर लिया, और आप ट्रंप को गले मिले, खूब लपटे, ईद मुबारक, अब की बार ट्रंप सरकार, उन्हें आप छोड़ के चले गए। आप कहां हैं बताओ, भारत कहां है मुझे बताओ। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम सही तरीके से हमारा मुल्क के जो बड़े हुकूमत करने वाले हैं, मैं मुल्क के मफाद में कह रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं है ना अफगानिस्तान से ना तालिबान से, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे क्या करना है, मेरे मुझे वतन अजीज से मतलब है और मतलब रहेगा भारत से इंशाअल्लाह ताला। मैं तो भारत के लिए कहा था ये तकरीर में अपनी बात को पार्लियामेंट में 3 मरतबा, मगर तुमने मेरी नीयत को समझा नहीं, तुमने मेरी बात को समझा नहीं, और तुमने ये समझा कि ये दाढ़ी वाला सर पे टोपी, इसको क्या मालूम, सब हमको मालूम। अरे तुमको लट्ठू मालूम, तुमको कुछ नहीं मालूम, तुम तो अंडे में की जर्दी हो, तुमको कुछ नहीं मालूम। अगर तुमको मालूम होता तो ये दिन नहीं होता आज। अच्छा अगर इसको क्या करना है, ये सुन के बोलिए, बोलो तुम क्या करना। सुनते मोदी जी, आपको मालूम चीन को खाली चीन की दुप्टी रख दबाने का, उन्हें खड़े हो जाता। जर्रा के पास कभी गए आप, जर्रा के पास गए तो डर होता। देखो आप हमारे बड़ेलिया हैं, खाली बंदे, अल्लाह उनको सलामत रखे, बहुत जबरदस्त, उन्हें खाली सुनते सुनते हाथ करके पकड़ते कि चीख मारता हूं, आधे घंटे के बाद दर्द कम होता। चीन को वही करना, क्या करना, लद्दाख के ऊपर, लद्दाख के ऊपर शिनजियांग है, मोदी जी जरा ऊपर तो जाओ ना, लद्दाख के ऊपर, शिनजियांग लद्दाख के ऊपर है, और चीन देपसांग, देमचाक और गोगरा हॉट स्प्रिंग्स में बैठा हुआ है, हमारी फौज हमारी जमीन में बैठा हुआ है। अब वहां पर वो कर रहा है, इन्हों दे तो खाली फोटो में खुश है बस, मैं आइसक्रीम खा लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया, मैं वो खा लिया। अरे भाई मुल्क की जमीन खा लिया चीन, हमारे पड़ोस में ये तब्दीली आ गई जो हमारे मुस्तकबिल में सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से खतरा होगा। मोदी जी देखो ना जरा, लद्दाख के ऊपर देखो, शिनजियांग की तरफ देखो, आप सोचो, दिमाग लगाओ, आपके पास बहुत से जेम्स बॉन्ड है, उन जेम्स बॉन्ड से पूछो, मेरी बात का असर नहीं मिलेगा। आपको समझ में नहीं आता, मेरे को मालूम है, अंडरस्टैंड, जरा ऊपर देखना पड़ता, मैं ऊपर नहीं देख सकता, ये हम कर सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा, और हमको भी कोई मतलब ही नहीं है ना, ये वतन हमारा है और रहेगा, इस वतन पर हमारी तारीख है, हमारे आबाजदाद की निशानियां हैं, कब अफगानिस्तान की तरफ देखें। बल्कि जामे निजामिया के मशहूर आलिम दीन जो फख्र मिल्लत अले रहमा के साथ उनके कंटेम्प्रेरी थे, हजरत का नाम क्या है, जो अफगानिस्तान से आए, अबुल वफा साहब, अफगानिस्तान अबुल वफा साहब जामे निजामिया का, आज भी उनकी किताब अल अजहर यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है। हमको मतलब ही नहीं था, कभी नहीं है मतलब अफगानिस्तान से, मगर इन बस टीवी पे वहां ऐसा हो रहा, वहां ऐसा हो रहा। अब आज के बाद इनको जरा थोड़ा तकलीफ होगी, अरे ये वो नई बात करा, उल्टी बात कर रहे, मामले को पलट दिया। अच्छा फिर क्या करें, एक बेचारे कोई समाजवादी पार्टी के एमपी के ऊपर मुल्क से गद्दारी का एक मुकदमा लगा दिया, सेडेशन चार्ज लगा दिया, उन्होंने क्या बोले, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता हूं, खुल के कह रहा हूं मैं, क्योंकि हम कह चुके हैं, मजलिस की पॉलिसी है कि हम जहां मुल्क की बात आएगी वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, हमारी सियासत है रहेगी, मगर मुल्क की बात आएगी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। उनके ऊपर गद्दारी का इल्जाम लगा दिए, सेडेशन। अरे पंडित नेहरू, गांधी और आपके सेठ गोविंद दास, ये लोग सेडेशन के खिलाफ थे। जब दस्तूर बन रहा था तो कांस्टेंट असेंबली ने, पूरी कांस्टेंट असेंबली ने सबने कहा कि गद्दारी का सेडेशन निकालो, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सेडेशन गद्दारी का मुकदमा उस वक्त लग सकता है जब तशद्दुद होता है उसके बोलने के बाद,
अगर कोई अल्फाज निकलते हो तशद्दुद होता है, जब सेडिशन लगता। अब सुप्रीम कोर्ट गौर कर रहा है कि उसको निकाल ही दे, आप लगा दिए सेडिशन उसके ऊपर, मुल्लों को काटो उन पर सेडिशन कुछ नहीं, क्योंकि आपके महबूब हैं। पीलू खान को मारने वालों पर कुछ नहीं, आपके महबूब हैं। कानपुर में बच्ची अपने बाप से लपेट कर रो रही है, उसको मारने वालों को कोई सजेशन नहीं, क्योंकि आपके महबूब हैं। अच्छा, हैरत की बात यह है कि समाजवादी पार्टी के जो सदर हैं वो मुंह ही नहीं खोलते। क्यों नहीं मुंह खोलते भाई? तुम्हारे एमपी पे सजेशन लगाना, मैं बोल रहा हूं। तो बोली हाओ, अगर कोई बोला तो ओवैसी बोला, वो लंबी शेरवानी वाला ही बोला, आप नहीं बोल सकते। मुसलमानों के वोट होना, संभल के मुसलमानों का वोट होना, तुर्कों का वोट होना, मगर जब नाइंसाफी होगी तो साथ नहीं ठहरेंगे बल्कि दबाव डालेंगे। ये कौन सी सियासत है समाजवादी की? ये समाजवादी में एक लीडर गया जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दहशतगर्दी की नर्सरी कहा, उसको अखिलेश फूल का हार पहनाते हैं, उसको फूल का हार पहनाते हैं, ये इनका मामला है। और बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अरे हिमाकत करने वालों, आजादी के बाद अगर पार्टीशन हुआ तो दूसरा पार्टीशन हमने देखा 2013 में, 50,000 मुसलमान मुजफ्फरनगर में बेघर हो गए, किसकी हुकूमत थी? मन्ने सत्याद मुस्लिम पर उंगली उठाने वालों, बताओ किसकी हुकूमत थी? क्या इंसाफ हुआ उन लोगों से? मगर नहीं, सेकुलरिज्म है। कैसा सेकुलरिज्म है? कौन सा सेकुलरिज्म है? तुम्हारे एमपी पे गद्दारी का मुकदमा लगता, तुम्हारी जबान को तुम जुम्बिश नहीं दे सकते। तुम कौन कर रहे हो? वोट चाहिए, खाली वोट होना, डरा डरा कर अब वोट हासिल नहीं किया जा सकता इंशाअल्लाह। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी नौजवानों से खास तौर से गुजारिश है कि कल रोजा रहिए, अगर आज रहे हैं तो माशाल्लाह, कल एक और रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहे तो कल एक रहो और परसों एक रहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रमजान उलमाए कुरान ने फरमाया कि रमजान के फर्ज होने से पहले ये रोजों को खास तौर से रहते थे, अशुरा का और अशुरा का ये पहले एक दिन बात। तो नौजवानों, रोजा रखो, अल्लाह की रहमत जोश में रहती है, अल्लाह सुभाना व तआला हमारे गुनाहों को माफ करता है, एक साल के गुना अल्लाह माफ करता है। हम खताकार हैं, सियाकार हैं, और जो आले रसूल हैं, अहले बैत हैं, उनकी इज्जत करो, उनकी खिदमत करो, उनकी उनकी कोई तकलीफ है तो उसको दूर करने की कोशिश करो, क्योंकि हशर के मैदान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से ही, उनकी शिफात से ही हम जन्नत में जाएंगे। मुझे मेरे आमाल का यकीन नहीं है, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मेरे आमाल अल्लाह की नजर में हो सकता है कि कुछ भी नहीं होंगे, मगर मुझे एक बात का पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला सऊदी में ऐसी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात पर जन्नत में जाऊंगा। आखा की वजह से मुझे जहन्नम की आग से अल्लाह बचा ले। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये इस जलसे का पैगाम है। जो लोग रोजा रहते हैं, खूब दुआ करो अल्लाह से। हमारे मुल्क की जेलों में बहुत से लोग मजलूम लोग हैं जिनको जेलों में डालकर उनकी जिंदगियों को सड़ा दिया जा रहा है। सफूरा जरगर एक बच्ची है, कई बड़े लोग हैं जो जेल के पीछे हैं, उनकी बीवियां उनके बच्चे अपने वालिद के लिए, वो बीवियां अपने शौहर के लिए बेचैन और बेताब है सिर्फ उनको देखने के लिए। मेरे अजीज दोस्तों, खूब अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, अल्लाह को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला दीजिए, इमाम हुसैन का, अहले बैत का वसीला दीजिए, शहीदान करबला का वसीला देकर अल्लाह से दुआ करिए कि परवरदिगार वतन अजीज में अमन को कायम करिए इस जुल्म